समाजवादी पार्टी के कदावर नेता व पूर्व मंत्री आजम खान तथा उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल से मुरादाबाद के MPMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। आजम खान को वर्ष 2008 में मुरादाबाद के थाना छजलेट में दर्ज एक मामले में पेश किया गया है, तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को व उनके पिता के खिलाफ दर्ज कटघर थाना क्षेत्र में भाजपा नेता जयाप्रदा के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी के आरोप में दर्ज दूसरे मामले में उनके पिता के साथ ही पेश किया गया। बताते चले कि आजम खान को सीतापुर जेल से पुलिस मुरादाबाद कोर्ट परिसर में लेकर पहुंची। करीब घंटे भर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान व उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को छजलेट प्रकरण में चल रहे वारंट में न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। वहीं जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में भी अधिवक्ता द्वारा कस्टडी की मांग की गई है, किंतु जांच रामपुर जनपद में होने के चलते प्रपत्र न होने के कारण न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। कोर्ट ने छजलेट प्रकरण में 24 अगस्त तो वहीं अन्य मामलों में 6 अगस्त की अगली तिथि निर्धारित की है। बता दें कि आजम खान को जब सीतापुर जेल से पुलिस मुरादाबाद कोर्ट परिसर में लेकर पहुंची तो वहां पहले से ही बैठे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस अधिकारी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाई और मूक दर्शक बनी रही। पूरी अदालत परिसर नारेबाजी से गूंजने लगा। आजम खान ने गाड़ी से उतरने के बाद मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया। पुलिस ने मीडिया को काफी दूर ही रोक दिया। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। एक मिनट, रोल। वर्ष 2008 में मोहम्मद आजम खान साहब और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था थाना छजलेट पर 147, 341 और 353 IPC के तहत और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत। इसमें इन्होंने और वो मुकदमा फिर माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां पर जाकर इन लोगों ने अपनी बेल करा ली थी। फिर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार हर जिले को सांसद और विधायकों की पत्रावलियां स्थानांतरित कर दी गई हैं और वो स्थानांतरित होकर जब यहां आई मुरादाबाद में तो उसकी सूचना इन्हें नहीं हो सकी, जिसके फलस्वरूप इनके विरुद्ध वारंट का आदेश पारित कर दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। उसके आधार पर इन्हें सीतापुर जेल से आज न्यायालय के आदेश अनुसार तलब किया गया था, जिसमें सांसद महोदय आजम खान साहब और उनके सुपुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान न्यायालय में प्रस्तुत पेश किए गए सीतापुर जेल से। वहां पर इनकी कस्टडी हो गई है। अब इसके पश्चात इसमें अग्रिम तिथि नियत कर दी गई है। एक मुकदमे में 6-8 है और एक मुकदमे में 24 अगस्त। सर दो कौन कौन से मामले थे? पार्डन, दोनों मामले कौन कौन से थे? दोनों थाना छजलेट से संबंधित है, जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए हैं। एक वर्ष 2008 का, एक अभी का है, क्योंकि ये इन्हें माननीय न्यायालय ने ये माना था कि ये फरार चल रहे थे, इसलिए थाना छजलेट की पुलिस द्वारा एक अन्य मामला अपराध संख्या 52/2020 धारा 174A के तहत और पंजीकृत किया गया था, उसमें भी अभी रक्षा हो गई। ये क्या है? कौन सा मामला है? कटघर थाने का तीसरा मामला एक कटघर थाने का है, जिसमें जयप्रदा पर एक कार्यक्रम के दौरान एक जयप्रदा पर कथित तौर पर टिप्पणी करना बताया जाता है, उस वो इनके सम्मान में किया गया था, इसलिए इनको भी उसमें अभियुक्त बना लिया गया है। अब न्यायालय ने क्या मतलब न्यायालय ने अब ये इनको अग्रिम तिथि प्रदान कर दी गई है। दो मामलों में अभिरक्षा में ले लिया गया है और कटघर वाले मामले में वो विवेचना थाना कटघर में पंजीकृत है वो मुकदमा, मगर उसकी विवेचना क्राइम ब्रांच रामपुर द्वारा की जा रही है, तो उसमें क्राइम ब्रांच रामपुर से विवेचक को मैं प्रपत्रों के और केस डायरी के तलब किया। सर अगली तिथि क्या दी गई है? तो क्या ये सीतापुर में ही रहेंगे या सीतापुर में रहेंगे? ये सीतापुर से लाए गए थे और सीतापुर ही जेल वापस गए। अगली तारीख कौन सी निर्धारित? एक में 6 अगस्त लगाई गई है। पार्डन, जो छजलेट का ओरिजिनल मामला है उसमें तो है 24 अगस्त। अच्छा, ये 174 क्या हुआ, क्या आरोप है? 174 ये आरोप है कि 174A के जब कोई अभियुक्त ज्यादा अवधि के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध उसे फरार घोषित करके उसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत करा दिया जाता है। पुलिस लोगों के खिलाफ लिखा था, पूरी सब लोगों के खिलाफ लिखा था, उसके प्रपत्र आएंगे तो उसके तदनुसार आपको बताएंगे। तारीख बता दीजिए, 1 को 24 तारीख के, बाकी में क्या तारीख? 1 24 अगस्त है और 1 6 अगस्त है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.